हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर 6, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है हमारे, सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में रीड करेंगे, देन उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसके में हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, देन हमारे पास फिफ्थ है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, जो हमारा कीबोर्ड, माउस माउस स्पीकर एंड सीपीयू हैं वो हमारे कंपोनेंट हैं किसके, कंप्यूटर के। और इसी तरीके से हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए हेल्प करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटे को स्टोर करके रख सकते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक फिजिकल कंपोनेंट है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो इनपुट होता है वो क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को रिसीव करवाता है जो भी हमने आउटपुट हमारे कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करवाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो हार्डवेयर है वो डाटे को स्टोर करता है, और हम हार्डवेयर को क्या है, टच भी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हम हार्डवेयर को हमने रीड किया हुआ है, भी हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसका हमें वेट है वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि फ्लैट पैनल जी हमें दिखाई दे रहा है, स्पीकर भी हमें क्या, इसको टच कर सकते हैं, सिस्टम यूनिट उसको भी टच कर सकते हैं, कीबोर्ड एंड माउस को भी हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास एक सीपीयू होता है जिसमें हम जो हमारे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मदरबोर्ड, ये सभी प्रोसेसर क्या है हमारे सीपीयू में कैप्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक पीसीबी जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास इंटरनल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो कनेक्ट किए जाते हैं। और जो हमारा मदरबोर्ड है उसकी जो डायग्राम है वो इस प्रकार होती है, जिसमें हमारे पास प्रोसेसर, प्रोसेसर फैन, एसएमपीए, एस रैम, हार्ड डिस्क एंड सीडी डीवीडी ड्राइवर जो है सभी इसमें यूज किया जाता है। और इसमें हमारे जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो क्या करती हैं, स्टोरेज को परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड क्या करता है, हमारे पास कंप्यूटर की विजुअल इंफॉर्मेशन को मॉनिटर के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। और इसी तरीके से अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड जो कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं सिस्टम के, वो सभी हमारे प्रोसेसर में ही इंस्टॉल किए जाते हैं। फैन, फैन क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की जो सीपी जो होता है उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। रैम, रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी को कंसिडर करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो भी डाटा होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी एरिया क्या करता है, लोड करता है, देन उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने जो स्टोर की होती है मेमोरी में उसको कंप्यूटर में टर्न कर देता है। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या है स्टूडेंट, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक होती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम क्या है कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है वो क्या करती है, कंपोनेंट को कनेक्ट करती है। सीडी एंड डीवीडी, सीडी डिस्क जो होती है वो क्या है, हमारे पास सीडी एंड डीवीडी क्या करते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू टेकिंग केयर ऑफ हार्डवेयर, हम हार्डवेयर को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास जो भी हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर, अगर हमने मॉनिटर को क्लीन करना हो तो सबसे पहले हम इसमें क्या है, इसके जो कंपोनेंट को क्लीन करने के लिए हम क्या करें, क्लीन कवर, क्लीन जो भी हमारे पास क्लोथ होगा वो क्लीन लेंगे, और इसको इसकी जो केबल्स के पार्ट होते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, नॉ कभी भी किसको पुल नहीं कर सकते। और देन हमारे पास जो कंप्यूटर रूम है वहां पर भी हमें क्या है, कभी भी खाना नहीं चाहिए। और इस तरीके से हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं उनको भी प्रॉपरली अरेंज करके रखना चाहिए। जिस भी हमारे पास, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को कंप्यूटर लैब में हमारे पास क्या है, डिफरेंट
एंड प्रॉपरली जो है इनकी इंस्टॉलमेंट की होनी चाहिए, और हमें कंप्यूटर वाली लैब में कभी भी शूज जो हैं नहीं लेकर जाना चाहिए। कंप्यूटर को जब भी हम क्लीन करें सॉफ्ट एंड सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करना चाहिए। इस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रॉपरली ही टर्न ऑफ करना चाहिए। व्हाट इज सॉफ्टवेयर स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे कि आपको पता है हम एक लाइक के जो हमारा कंप्यूटर है एक ड्राइवर एंड कार का वर्क करता है, जिसको क्या है जो ड्राइवर होता है वो क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कंप्यूटर को इनपुट डाटा करते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है हमारे ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज उसको रन करवाता है। इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को है जो हमारे कंप्यूटर को रन करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। और जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर के जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर उसका वेट नहीं होता, और इसको हम क्या है टच भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं इस रिगार्डिंग वर्क करते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शन 1 देंगे तो वो भी हमारी प्रोग्राम के थ्रू ही नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को रन करवाने की में हेल्प करेगी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए वर्किंग करता है, और इस तरीके से ही हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। और जो हमारा कंप्यूटर का मैनेजर सिस्टम होता है वो क्या करता है हमारे सिस्टम को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज क्या करता है कंट्रोल करके रखता है। इसी तरीके से जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड जो कंप्यूटर सिस्टम के डिजाइन है वो भी क्या करते हैं डिवेल्प करते हैं एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स क्या होते हैं टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, और जो सभी एप्लीकेशंस का एरिया है वो क्या करता है ब्यूटीफुली डिजाइन करता है डॉक्यूमेंट्स को एंड कैलकुलेशंस को, और ऑर्गेनाइज करके रखता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस को। इसी तरीके से जो भी हमारे कंप्यूटर के डिपेंडेंट होते हैं वो क्या करते हैं यूजर्स को उस पर डिपेंड करवाते हैं, और हमारी जो स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास एक असेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है नॉन असेंशियल पार्ट। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कम्प्लेक्स होता है एंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जनरली सिंपल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चीपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या है जब भी इनको कोई एक्सपर्ट ही क्या करता है इनको बनाता है, और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे क्या है लेस एक्सपीरियंस पर्सन भी इस पे वर्किंग कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें वर्क नहीं करता, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एम पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बिना भी हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटर क्या है प्रॉपरली वर्क करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही। विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बिना क्या है यूटिलाइज नहीं कर सकते, और जो हार्डवेयर के कंपोनेंट है वो क्या करते हैं कंट्रोल करके रखते हैं सॉफ्टवेयर्स को। और इसी तरीके से जो भी हमारी एनालॉग कैसेट्स होती हैं प्लेयर्स होते हैं वो हमें जब भी परचेज करते हैं मार्केट से जिसको हम हार्डवेयर कह देते हैं वो सभी सॉन्ग्स जो हैं उनकी जो रिकॉर्ड को अगर हमने देखनी हो रिकॉर्डिंग और उनको लिसन करना हो तो वो हमारी सॉफ्टवेयर में ही हमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का आपस में क्या है बहुत ही प्रोवाइड करता है हमारे प्रॉपर रिलेशनशिप को, जो कि हमारे इसके बिना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को हमारा जो कंप्यूटर प्लेयर है वो विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के वर्किंग नहीं करता। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।